अगर आपका भी आधार कार्ड कहीं गुम हो गया है या खो गया है और आप ऐसे में परेशान है कि यार मेरा आधार कार्ड कैसे मिलेगा, उसके लिए आप नियर बाय किसी साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा और उसके बाद आपको आधार कार्ड निकाल के दे देगा और वो आपके उस आधार कार्ड को निकालने के लिए 50 से 100 रुपए तक चार्ज कर सकता है। साइबर कैफे अगर आप अपना आधार कार्ड निकलवाने के लिए जाते हैं तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और दूसरा आपके पैसे भी जाते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, आप बिना कहीं जाए घर बैठे फ्री में अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो कैसा रहेगा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कुछ प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना है UIDAI.gov.in। तो आपको यहाँ पर ये लिख करके सर्च करना है। अगर आप ये भी लिख करके सर्च ना करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधार कार्ड डाउनलोड, वो लिख करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू एंटर द वेबसाइट। मतलब वेबसाइट में जाने के लिए पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर काफी सारी लैंग्वेज देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो यहाँ पर आपके सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आ जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट आधार। गेट आधार के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बुक एंड अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार। तो आप यहीं से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर गेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। आपको यहाँ पर डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपडेट यहां पर कर लें, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं 14 दिसंबर लास्ट डेट है यहां पर अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की। अगर आपने अपडेट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो इसे अपडेट कर लें। तो चलिए उसके बाद आपको यहां पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पर आधार कार्ड पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ पर नया आधार कार्ड बना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। अगर आपका नया आधार कार्ड बनाया है तो आप इसको एनरोलमेंट आईडी डालकर या वर्चुअल आईडी डालकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो वहां से एक स्लिप मिलती है जिसपे एनरोलमेंट आईडी वहां पर डली होती है। तो मेरा तो यहाँ पर पहले से आधार कार्ड बना हुआ है तो मैं इसलिए आधार नंबर पर क्लिक कर लूंगा और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जो ये कैप्चा देख रहे हैं कई बार क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे और आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जो ये तीर के निशान देख रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका कैप्चा जो है वो चेंज हो जाएगा। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ ये कैप्चा ठीक है मैं इसको फिल कर सकता हूँ, तब तक इसको आप चेंज ही करते रहें और उसके बाद आपको फिल करना है। तो चलिए मैं इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर कैप्चर को फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड ओटीपी। ओटीपी आपका उस नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। चलिए मैं यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर मेरा इनवैलिड कैप्चर बता दिया है, इसको मैं दोबारा से फिल करूंगा। तो चलिए मैं इसको एक बार और चेंज करता हूँ। पहले मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ। तो चलिए मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। आप ठीक है, मैं इसको अब फिल कर लेता हूँ। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर कैप्चा को फिल कर लिया है। उसके बाद मैं यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच योर आधार रजिस्टर्ड नंबर। तो जो मेरा यहां पर रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ये ओटीपी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मेरा ओटीपी आ चुका है, तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर ओटीपी को फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलता है वेरीफाई एंड डाउनलोड। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पर एक आपको कोड डालना पड़ता है, उसके बाद ही वो ओपन होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप अपने आधार कार्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर माई फाइल में जाऊंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, हमने जो अभी डाउनलोड किया है अपने आधार कार्ड को, आप यहां पर देख सकते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहां से आप उसको पीडीएफ में खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ये आपसे पासवर्ड मांगता है। अब आपको पासवर्ड क्या डालना है और कैसे डालना है, आखिर यहाँ पर पासवर्ड होता क्या है, आपका जो भी नाम है उसके 4 शुरू के लेटर आपको वो भी कैप्स लॉक में यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको उसका सन यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, मतलब 1/1/2000, तो यहाँ पर आपको अपने नाम के 4 लेटर शुरू के डालने के बाद आपको 2000 और फिल करना पड़ेगा, तभी ये पासवर्ड खुलेगा। मतलब यहाँ पर आपके नाम के शुरू के 4 लेटर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सन और फिल करना है, जिस भी सन में आपके यहाँ पर बर्थ हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम राजू है और आप यहाँ पर 2000 में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर आप पासवर्ड में राजू डालेंगे वो भी कैप्स लॉक में, और उसके बाद आप यहाँ पर 2000 फिल कर देंगे और आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पर आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर अपने आधार कार्ड को ओपन नहीं करना है, आप इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से अपने आधार कार्ड को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो भी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।